प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। चल उठा। साली फोन क्यों नहीं उठा दी? बहुत जच रहा है बच्चे। क्या तेरी दूसरी शादी होने जा रही है? दोस्त ने खाने भी बुलाया है। दोस्त? हाँ। दोस्त ये दोस्त भी बड़े दहावाज होते हैं। जय सिंह का कब से इंतजार कर रहा हूं, आया ही नहीं। कब बात, मैं चलता हूं। साक्षी को फोन किया? मेरी माँ को ये घर छोड़े 20 साल होने को आए हैं, आज भी मैं रोज उसे फोन करके पूछता हूं घर कब लौटोगी। जानता है मैं ये क्यों करता हूं? क्योंकि जिंदगी में ये दोस्त तो साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अकेली बीवी ही वो होती है जो ईश्वर के सामने खाई कसमें निभाती है। वो तो मैं देख रहा हूं। राधा मुझसे अलग रहती है, तो ये नहीं देख रहा कि मुझे छोड़ने के 20 साल के बाद भी उसने मुझसे शादी तोड़ने के लिए नहीं कहा। आज भी वो मेरी बीवी है। अब साक्षी का इसके साथ होना बहुत जरूरी है। रहो बेटा, आपने बुलाया मुझे। हाँ चलो वहां बैठते हैं। बैठो। बाबा ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। बाबा बहुत परेशान है, लेकिन मैं बाबा को दुख नहीं देना चाहती थी। मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने ये भी तो नहीं चाहा कि मैं उस घर में रुकूं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। जिस दौर से तुम गुजर रही हो उसी दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। इंसान अपने आप को मसीहा समझता है। जरा
जरा इस मंदिर के पुजारी से पूछो। हर कोई इस मंदिर की दहलीज तक आता है, लेकिन कोई भी नजर उठाकर पुजारी की तरफ नहीं देखता। जो अहमियत इस पुजारी के मंदिर में है, वही अहमियत उस घर में तुम्हारी है। फैसला तुम्हारा है। मैं बस इतना ही कहूंगी, जहां भी रहो हौसले बुलंद करके रहो। जाने आया हूँ मैं तुझे बच्चे। बाबा मैं कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरे ख्याल से बीच में मत बोलो राधा। क्या कहना है तुम्हें? मेरे ख्याल से ये फैसला साक्षी ने खुद करना चाहिए। उसे कुछ दिन विक्रम से दूर रहना चाहिए। तुम क्या चाहती हो? जो जो बाबा चाहेंगे। राधा सही कह रही है बच्चे, कुछ दिन रुक कर ही लौटना। डरता हूं कि कुछ दिन बहुत लंबे ना हो जाए। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरी बेटी बाहर क्यों खड़ी है? पता नहीं। अरे वो पढ़ना पीछे क्या लिखा है इंग्लिश में कागज पर? बाहर तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, और जैसा आज में मैं भी तो फेल हुआ था। मैं पता करके आता हूँ। जा रहे पप्पे? मैं आता हूँ। बाहर क्यों? भूख हड़ताल करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा इस कॉलेज में ना हो। अगर आपसे उन लड़कों को पहचानने को कहा जाए तो क्या आप पहचान लेंगी? क्यों नहीं, मैं जरूर पहचानूंगी उन्हें। आप नहीं डरती कि? डरने की क्या बात है, और अगर मैं डरती तो इस हड़ताल में कभी शामिल नहीं होती। चोट आप ही को लगी है ना? हाँ भाई मुझे ही लगी है। कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे आप? हाँ जरूर देंगे, लिखो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। दर्द बोले तो वो पीटने वाला दर्द नहीं, दर्द इस बात का हो रहा है कि हमें इंसाफ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। मगर क्यों? अरे क्यों, अब ये तो इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। नाम क्या आपका? लिखो। बैठे हैं हम लोग क्लास रूम के अंदर। आ गए चार्जर उठा के बैठे, दीवार से पटक दिया, किसी ने उठा दिया। कहाँ क्या, ये देखो प्रिंसिपल साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आता हूं तुम्हें देखने।
अगर तुम गुंडों को हमारे सामने ले लाए जाओ। बाबा किसी ना किसी को तो आवाज उठानी है। दो दिन से रुके हम लोग, दो दिन से, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। बच्चे जिन्होंने कॉल में मारामारी की थी है कौन? ये लड़के अपने ही बच्चे हैं, गरम खून है। मैं समझा के आता हूं उन्हें। यही बुलाओ उन्हें। मैं नहीं चाहता कि ऐसी गुस्ताखी हो दोबारा करें। काका उन्हें बाहर वाले रूम में बिठाएं क्या? नहीं, अंदर ही ले उन्हें। बब्बे इतनी जोश में मत समझाना कि वो समझ जाए प्रिया के साथ तेरा क्या रिश्ता है। इतना बेखौफ नहीं हूं मैं। कोई शक? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है तू। साला एक तू ही है जो मेरे से ऐसे बात कर सकता है। काका के विक्रम शेठ को बताया था। दो तीन दिन में बाबा दानी को पक्का उड़ा देगा। मैं तो थोड़ा बाबा काम भी डेंजर है ना। जिस बिल्डिंग में छुपा है वहां 40-50 लोग उसके कुत्ते की माफी के नाम पर घूमते रहते हैं। वो सही बोल तू पता ना बाबा कुछ लोग दो तीन दिन में पक्का कर देगा। विक्रम शेठ का हुक्म था ना? विक्रम शेठ का हुक्म बोले तो आपका ऑर्डर हुआ ना बाबा? हाँ सही है, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि दानी को नहीं मारना है। दानी को नहीं मारना? नहीं, नहीं मारना है, समझे? ये सुपारी वापस लिया मैंने बाबा। वो सुनो, जमनाबाई कॉलेज के बच्चों के साथ मारामारी किया तुम लोगों ने, नहीं किया, बस दो तीन छापड़ मारा। बस बच्चों ने भूख हड़ताल कर ली है। पसंद नहीं है मुझे ये। बाबा वो मत बोलो।
वहां जाकर उनसे माफी मांगो, भूख हड़ताल खत्म करवाओ। शाम तक मुझे खबर मिलनी चाहिए कि बच्चों ने खाना खा लिया, समझे? जाओ। मेरा देखो, आप मुझे दो दिन की मोहलत दे दो, मैं आपका माल का पैसा आपका खुद लौटाऊंगा। अरे पैसा नहीं, माल चाहिए मेरे को। इतने साल से धंधा करता है, बात करता है तुम। माल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा माल। भाई, बाबा आपको बुला रहे हैं। हाँ, तुम जाओ, माल का ध्यान रखना मेरे। जाना, खड़ा क्या? को मारने की सुपारी दी, किसकी इजाजत है?